लगातार बच्चों द्वारा माता पिता को प्रताड़ित और परेशान करने के मामले जनसुनवाई में आ रहे हैं और इसी को लेकर कलेक्टर मनीष सिन्हा के निर्देश पर माता पिता भरण पोषण अधिनियम के तहत ऐसे केस पर गंभीरता से सुनवाई की जा रही है और माता पिता को उचित न्याय भी दिलवाया जा रहा है। दरअसल इंदौर की कृष्णबाग कॉलोनी की रहने वाली महिला रेखा जनसुनवाई में अपनी बेटी की शिकायत लेकर पहुंची थी। उन्होंने कहा कि बेटे ने दोनों मकानों के फर्जी कागज बनाकर अपनी पत्नी के नाम पर करवा लिए हैं और अब उन्हें मकान से बेदखल कर दिया है। न्याय की उम्मीद में कलेक्टर कार्यालय जनसुनवाई में पहुंची रेखा बाई का कहना है कि पति को लकवा आ चुका है और इस उम्र में वह उन्हें लेकर कहां भटकेगी, इसलिए उन्होंने जनसुनवाई अधिकारी से मदद की गुहार लगाई है। हमारे बेटा ने मकान छीन लिया हमसे, दोनों मकान हमको नहीं रख रहा है, नहीं दे रहा है। हमारा मकान कागज चाहिए हमको हमारे मकान के, हम बहुत परेशान हैं। पहले ही लखवा लगाए था, बस 3,000 रुपये महीने की दवाई आती है, बहुत परेशानी में हम। मकान के लिए कहा है हमने, हमारा मकान हमको दिया जाए, दोनों कागज चुरा के रख लिए गए, नहीं दे रहा। एक अपने पत्नी के नाम करा दिया और एक नाम नहीं है का, हमारे नाम का पत्नी के नाम करा दिया, इनके फर्स्ट नाम है मकान में। क्या करें, हम कहाँ जाए, कृष्णबाग कॉलोनी। हालांकि जनसुनवाई अधिकारी पवन जैन ने बताया कि इस तरह के प्रकरण लगातार सामने आते रहे हैं, जहां बच्चों द्वारा माता पिता को अपने ही घर से बेदखल कर परेशान किया जाता है, जिसके लिए माता पिता भरण पोषण अधिनियम के तहत 3 महीने का सिविल कारावास का प्रावधान भी है। दूसरा यह भी पहलू सामने आया है कि लोगों का विश्वास भी संस्था पर बढ़ा है। कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश पर अधिकारी ऐसे मामलों की गंभीरता से सुनवाई करते हैं और पीड़ित बुजुर्गों के बच्चों को बुलाकर हिदायत भी दी जाती है। यदि इसके बाद भी वो नहीं मानते हैं तो उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। चीज देखने में आ रही है कि माता पिता भरण पोषण अधिनियम में ना बच्चे लोग अपने माता पिताओं को परेशान लगातार कर रहे हैं, और दूसरा पहलू ये भी है कि लोगों का विश्वास भी संस्था के ऊपर आया है कि कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार लगातार हमारे जो SDM है वो सक्षम प्राधिकारी है माता पिता भरण पोषण अधिनियम में, वो लोग ऐसे केसेस में गंभीरता से सुनवाई भी करते हैं, बच्चों को बुलाते हैं और इस बात को समझाइश भी देते हैं, अगर उसके बाद नहीं मानते हैं तो फिर कानूनी कार्रवाई करते हैं, जिसमें 3 महीने की सिविल कारावास के भी प्रावधान है। तो अभी तक जो अनुभव रहा है वो ये रहा कि बच्चे अपने माता पिता को साथ में रख रहे हैं और साथ में इस बात का इंश्योरेंस भी कर रहे हैं कि भविष्य में उनको परेशान नहीं करेंगे। इस तरह के प्रकरण बढ़ना चिंता का विषय बना हुआ है, फिर भी प्रशासन की पहल ने ऐसे लोगों को सबक सिखाने का जो काम किया है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी बुजुर्गों के बच्चों से उनकी सुरक्षा का इंश्योरेंस भी लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।